दोस्तों नमस्कार, घर बनाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये जो वीडियो पहले दिखा रहा था तो दिखाई रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नया काम शुरू करने वाला हूं। दोस्तों ये हम थोड़ा सा यहां का भी जानकारी आप लोगों को दूंगा। अभी दोस्तों फ़िलहाल हमने एक कच्ची दीवार थी, बाउंड्री वाल, उसको हमने तोड़ा है। ये पेड़ देख रहे होंगे, पेड़ इधर की तरफ था। यहाँ हमने मकान बनाना है दोस्तों। ये मकान को बाद में नुकसान ना पहुँचा इसलिए हमने पेड़ काटा। पहले पेड़ तो नहीं काटा, इसकी टहनियाँ काटा हूँ दोस्तों। ये देख रहे होंगे टहनियाँ खाली काट दिया हूँ। और ये कच्ची दीवार थी, गारे की चिनाई हो रखी दोस्तों। गारे की चिनाई से, गारे से दीवार बनी हुई थी। अब इसको हमने हटाया है। अब इस प्लॉट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 15 फीट 9 इंच है। 15 फीट 9 इंच में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना है हमने शुरू। इसमें कमरा आएगा, किचन, डाइनिंग, गैलरी, बाथरूम, किचन सब कुछ आना है दोस्तों। जीना भी है, सीढ़ी। ये दोस्तों इधर कुआं बना हुआ है, देख रहे होंगे ये पानी भी है इसमें। अभी तो फिलहाल हमने दोस्तों इसकी दीवारें हटाया हूँ। बाकी कॉलम कैसे खड़ा करेंगे वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत जल्दी दिखाऊंगा। एक दो दिन में मैं शुरू करूँगा दोस्तों कॉलम वगैरह खड़ा करने का। ये थोड़ा सा साफ़ कर लूँ इस प्लॉट को। चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 फुट 9 इंच है इसकी चौड़ाई। और जहाँ पर ये मकान बना हुआ है, इस मकान को हमने तोड़ना है दोस्तों। इस कमरे को, जो खपरेल का मकान दिख रहा है, कमरा दिख रहा है, इसे हमें तोड़ना है और यहाँ तक हम मकान को जोड़ेंगे। इस कुआं से यहाँ तक की बात करेंगे तो 54 फीट हो रहा है दोस्तों। 54 फीट लंबाई हो रही है। 54 फीट में हमें सेंटर में मेरा पुराने वाला मकान से आने का रास्ता भी है, हमें 3-4 फुट वहाँ छोड़ना भी पड़ेगा। 50 फुट मेरे पे जगह बचता है दोस्तों। 50 फीट लंबाई और 15 फीट 9 इंच चौड़ाई है। इसमें दोस्तों हमने 14 कॉलम देने का प्लानिंग किया हूँ। 14 कॉलम देने के बाद में जब गड्ढे खोद जाएँ, कल से मेरा गड्ढा खोदना है, तब समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों को और किस तरीके से करना है। मजबूत से मजबूत काम, मतलब बढ़िया से बढ़िया काम और टिकाऊ काम। और ये कॉर्नर मेरा कुआं से इधर उधर बाकी रहेगा दोस्तों खाली, यहाँ पे लैट्रिन का गड्ढा वगैरह आना है। अब तभी समझ में आएगा दोस्तों जब धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़े। बाकी दोस्तों वीडियो अगर देखेंगे तो शेयर और लाइक करना नहीं भूलें आप। सब्सक्राइब भी करें।